दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने करी अपनी टीम की घोषणा और अपनी टीम में क्या किया है बहुत ही बड़ा बदलाव, जिसे देख भारतीय टीम भी चौंक गई है। और आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम में किन किन खिलाड़ियों को हटाया है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के फाइनल की समाप्ति के बाद अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज भारतीय सरजमी पर 9 जून से 19 जून के बीच में खेलेगी। और इस बीच भारतीय टीम के कई बड़े और हैरान कर देने वाले चेहरों को टीम से आराम दिया गया और उनकी जगह कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया और जिनके आने से टीम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम जमकर तैयारियां कर रही है और महेंद्र सिंह धोनी ने पहले टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले नाम का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया है, क्योंकि केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ अपने आईपीएल में खतरनाक फॉर्म से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आए हैं और भारतीय टीम के लिए अब साउथ अफ्रीका सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं केएल राहुल टीम के कप्तान भी हैं, जिनके पास अधिक जिम्मेदारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ मध्यम क्रम में दीपक हुड्डा को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके लखनऊ को प्लेऑफ में पहुंचाया था। तो वहीं इसके बाद ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में, तो वहीं दिनेश कार्तिक को बैकअप विकेट कीपर के रूप में तेज तर्रार बल्लेबाजी के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है। और जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें लगातार अपने दम पर मुकाबले जिताए हैं और प्लेऑफ का रास्ता तय करवाया है, उसके लिए दिनेश कार्तिक की वापसी भारतीय टीम में हो सकती है। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को टीम में खेलने का मौका मिलेगा, जो टीम में बेहतर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के संतुलन बनाने का कार्य करेंगे और कप्तानी में राहुल की मदद करेंगे। तो वहीं फिरकी गेंदबाजों के रूप में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की फिरकी जोड़ी एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक को टीम में खेलने का मौका मिल सकता है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले और अंत के बेहतरीन ओवरों में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं हर्षल पटेल मध्य और अंतिम ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं और साथ ही साथ उमरान मलिक मध्य ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और टीम को तेज गति प्रदान कर देंगे। और इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में खेलती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।